इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स के अंदर मैंने समझाया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स इज कॉज्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड मोशन ऑफ होल इन वैलेंस बैंड, दोनों की मूवमेंट होती है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हैं और करंट में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। और होल्स कैसे मूव करेंगे, होल्स पॉजिटिव चार्ज हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी करंट में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड देर आर टू स्ट्रीम ऑफ करंट, तो दो स्ट्रीम ऑफ करंट पैदा हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से और दूसरा होल करंट होल के मूवमेंट की वजह से। तो अफेक्टिव करंट इन द सेमीकंडक्टर इज सम ऑफ दीज टू स्ट्रीम ऑफ करंट, तो अफेक्टिव करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट, ये सेमीकंडक्टर का टोटल करंट माना जाएगा।